यहाँ पर आ सकते हैं मौलिक उमरान, मौलिक उमरान को मैं विनती करूंगा दो शब्द कहे। देखो हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, बातें हम अपने घरों पर अपने महलों में अपने चौपायों के अंदर करते हैं, लेकिन किस बात की तरफ अहमियत दिलाई जा रही है? जैसे अमरीश भाई ने अहमियत दिलाई, पूरा संघर्ष का पश्चिम अंदर बताया कि संघर्ष कहाँ से उठा, और सिन्हा साहब ने जो फिलहाल हमारे दरमियान में नहीं है, इन्होंने इस संघर्ष को किस किस जाफरशाही और कुर्बानी के साथ चालू किया और लोगों को इस संघर्ष की तरफ बुलाया और हमारे मुतवज्जे किया। अब इसके साथ साथ ये नासिर भाई चीफा, अल्लाह इनकी उम्र में दराजगी अता फरमाए, तवील फरमाए, इनकी जान माल में बरकत अता फरमाए। हमारी के इशाक भाई मरेडिया कोई मुलाकात नहीं हुई थी, इन्होंने इस बात पर अल्हम्दुलिल्लाह दिलचस्पी ली कि टागोर हॉल का जो प्रोग्राम हुआ 30 जनवरी को और इसके बाद 5 फरवरी को जो रैली का आयोजन हुआ अल्लाह बोल रैली, ये सारे प्रोग्राम देखकर इन्होंने बहुत खुशी महसूस की और ये मसरूर महसूस करने के बाद फिर घंटों तक आए दिन इशाक भाई से बातें होती रहती थी। ये आदमी के लगाव और ताल्लुक की बात है कि वहां वो फॉरेन कंट्री में अमेरिका में है, लेकिन अपने मादरे वतन की इतनी फिक्र है कि वहां बैठे बैठे इनको इन प्रोग्राम के साथ दिलचस्पी होती है। ये बहुत कमाल की बात है और हर फर्द वाहिद को ये होना चाहिए। और इसके साथ साथ हम यहां रहने वाले इनको तो बदरजे औला होना चाहिए, लेकिन आज हालात कुछ और है। मेरा या आपका मिजाज के खामोशी वाला मिजाज, और शायर यूं कहता है ये खामोश मिजाजी, ये दुनिया में अगर जीना है तो ये खामोश मिजाजी नहीं चलेगी, ये खामोश मिजाजी दुनिया में जीने नहीं देगी। अगर इस दुनिया में जीना है तो बहराम मचा लो। और डॉक्टर मुगल सिन्हा साहब के इन्होंने संघर्ष के जरिए से रोड शो किया और इस दुनिया के अंदर कोहराम मचाया, जिसके नतीजे में इनकी वकालत के अंदर हिम्मत हुई और इन्होंने अपना सीना तान कर जो गवर्नमेंट सत्ता पर है, जिसके पास हर किस्म का पावर है और वो अहदे पर फाइज है और इसके सामने अपनी जान की बाजी लगा दी। और वो डॉक्टर मुकुल सिन्हा, इससे पहले भी मैं बात ये कह चुका हूं कि इस लाइन पे और इस राह पे आदमी या तो पैसे रुपये और दौलत के नतीजे में बैठ जाता है, या तो डर कर बैठ जाता है, या घर वालों के और अहलो अयाल के प्रेशर के नतीजे में, दबाव के नतीजे में बैठ जाता है। और डॉक्टर मुकुल सिन्हा साहब इन सारी बातों से बाज रहे, इन सारी बातों से बाज रहे। और इसके साथ साथ ये डॉक्टर मुकुल सिन्हा साहब गए, लेकिन एक चिंगारी और एक दिया जलाकर गए हैं और ये दिया हमको
घर दर घर, दर दर दर, शहर दर शहर, कस्बा दर कस्बा, जिला दर जिला, तालुका दर तालुका, और हर कंट्री के अंदर हमको इसको जलाना है। और डॉक्टर मुकुल सिन्हा साहब कि हमारा वास्ता इनके साथ, हमारा ताल्लुक इसाक भाई मरेडिया, जिनका केस परसोत्तम सोलन के पीछे 400 करोड़ का बहुमान भ्रष्टाचार जिसके सिलसिले में चल रहा था, और एक लोयर तरीके से मुलाकात होती थी, लेकिन डॉक्टर मुकुल सिन्हा साहब के साथ जब रहा मजबूत होता चला गया और इनके साथ दोस्ताना ताल्लुक बढ़ता चला गया, और यही मिजाज भी था। सच पूछो तो मैं क्या बताओ कि हर छोटे के छोटे से छोटे को अपनी तरफ मानुष कर लेते थे, हर बड़ा से बड़ा इनके कंट्रोल में आ जाता था, इस मिजाज का आदमी था। शायद हमें इतिहास में या कहीं दुनिया में ऐसा नाम पर आदमी नहीं मिल सकता, ये बड़े अफसोस की बात है।